गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर की बुक में आज हम मैथ का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवीज़न। लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था। डिवीज़न का डेफिनेशन जाना था, क्या मतलब होता है, इक्वल शेयरिंग समान साझेदारी क्या होता है करके भी देखा था, जाना था। नेक्स्ट हम आज जानेंगे इक्वल ग्रुपिंग क्या होता है, समान समूहन। ठीक है, इक्वल ग्रुपिंग, इक्वल मतलब होता है बराबर और ग्रुपिंग मतलब होता है जो समूह होते हैं हमारे, उन समूहों में चीज़ों को कैसे बांटा जाता है, ये कितना बांटा जाता है पता चलता है इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ईच प्लेट कैन होल्ड 3 सैंडविचेस, हाउ मैनी प्लेट्स विल बी नीडेड फॉर 12 सैंडविचेस। इसका मतलब है यदि प्रत्येक प्लेट में 3 सैंडविच आ सकते हैं तो 12 सैंडविच के लिए कितनी प्लेटों की ज़रूरत होगी हमें। 12 पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 गिव्स 4 ग्रुप्स। इसका मतलब है 12 को 3 के बराबर समूहों में रखने पर 4 समूह मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो रीड दिस एज 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। इन्हें हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि 12 को 3 से विभाजित करने पर 4 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, व्हेन वी ग्रुप इक्वली वी नो दैट द नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स। जब हम समान रूप से समूह बनाते हैं ना, तो हमें प्रत्येक समूह में चीज़ों की संख्या पता लगानी होती है और हमें समूहों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है कि कितने समूह में कितना चीज़ हमने रखा है और कितनी मात्रा में गई है। नेक्स्ट हमारा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार घटाना। बार बार घटाना में एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, चलिए रीड करते हैं। प्रीति हैज़ 12 एप्पल्स, प्रीति के पास 12 सेब हैं। शी गिव्स 4 एप्पल्स टू जॉय, उसने जो है 4 जो सेब है वो जॉय को दे दिया। नाउ शी हैज़ 12 माइनस 4, 12 सेब थे, 4 जॉय को दे दिए, तो 8 एप्पल्स टोटल बच गए हैं। ठीक है, तो 12 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पे है। सेकंड है, शी गिव्स 4 एप्पल्स टू पी हो, सेकंड इक्वेशन में देखिए जो प्रीति थी उसने जो है 4 सेब जो है उसने पी हो को दे दिए, 8 सेब बचे थे, 4 उसने दे दिए पी हो को। नाउ शी हैज़ 8 माइनस 4, 8 बचे थे उसके पास, 8 में से उसने 4 दे दिए पीहू को, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 में से 4 गए तो 4 आ गए, ये सेकेंड इक्वेशन था हमारा, सॉल्व हो गया। शी गिव्स 4 एप्पल्स टू पीयूष, नाउ शी हैज़ 4 माइनस बाय 4 इजिकल में 0 आ गया है, कि अगर प्रीति ने 4 एप्पल बचे थे प्रीति के पास, 4 एप्पल में से उसने क्या किया पीयूष को दे दिया, तो उसके पास जो है 0 एप्पल्स बचे, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि उसने सब कुछ सबको बांट दिया। सो प्रीति डिवाइडेड्स 12 एप्पल्स इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस, प्रीति ने 12 सेब को 3 बच्चों के बीच समान रूप से बांट दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिवीज़न, इस प्रक्रिया को हम जो है डिवीज़न कहते हैं, यानी विभाजन कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही।